हेलो वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू बाई जूज एग्जाम प्रेप और मैं सूरज गोपी आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन क्यों क्योंकि आज हम ऐसा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो हर साल आपके गेट एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज वेलोसिटी एनालिसिस राइट तो एक बार सभी लोग कमेंट uh, सेक्शन में लिखेंगे ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है एवरीथिंग इज हैविंग अ परफेक्ट ऑडियो एंड वीडियो कॉम्बिनेशन ताकि हमारे जो बैक टेक्निकल टीम है वर्क कर लीजिए करेंगे और हमारे कोई भी क्लिचेस उसको दूर करेंगे ओके सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कीजिए ज्वाइन फास्ट क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग हम लोग हाँ एग्जैक्टली वन सेकेंड हाँ हम लोग डेफिनेटली इस पे वर्क करेंगे ओके चलिए चलिए वेरी गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग इवनिंग लेट मी क्रॉस चेक विथ माय कमेंट्स हाँ ठीक है ओके okay, तो एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में जुड़ के बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो और वीडियो में फाइन <coughs> अब क्यों मैं ये टॉपिक को लेके आया हूं क्योंकि ये टॉपिक से न्यूमेरिकल दो मार्क्स की न्यूमेरिकल हर बार गेट एग्जाम से पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कैसे हमें इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना है ओके गुड इवनिंग मुरली गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड प्लीज डू लेट मी नो कि ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट ओके तो जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ओके वेरी गुड इवनिंग प्रभाकर और एक बार शेयर कर दीजिए यार

शेयर करते हैं लिंक आ, प्रायर टू द सेशन ठीक है तो मैंने भी ये लिंक शेयर कर दिया है और मैंने बाय मिस्टेक वहां थ्री ओ लिखा था और फोर ओ क्लॉक हमारा सेशन आ, ये हमारी कंप्लीट टीम है ऑफ द मैकेनिकल फैकल्टी ऑफ एग्जाम प्रेप जो कंप्लीटली डेडिकेटली आप लोगों के लिए काम कर रही है ताकि आपके एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर आए ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन दैट इज वेलोसिटी एनालिसिस तो वेलोसिटी समझने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझना है दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर राइट तो क्वेश्चन यह है सर ये इंस्टेंटेनियस सेंटर जिसको हम लोग कभी आईसी से भी डिनोट करते हैं होता क्या है वॉट डू यू मीन बाय आई इंस्टेंटेनियस सेंटर और आईसी गुड इवनिंग कल्पेश बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद बहुत, बहुत लोग जुड़ रहे हैं चलिए गुड इवनिंग शुभम गुड इवनिंग तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मान लीजिए आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं ठीक है यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस और ये खड़े हैं मान लीजिए शुभम खड़े हैं ये शुभम है और उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड कल्पेश यहाँ पे खड़े हैं ओके हमारे पास शुभम और कल्पेश स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से मीटर, मीटर डिस्टेंस में खड़े हैं और आप लोग रोड पे खड़े हो ऑन सरफेस अप्रोचिंग कल्पेश तो क्या क्या कोई कर्व सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा या स्ट्रेट लाइन मूव करेगा दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दिस केशम डोंट वरी ठीक है कॉन्स्टेंटली वर्किंग तो प्रॉब्लम नहीं है और देखो सबसे अच्छी बात क्या है आपको डायरेक्ट क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पे तो बस आपको ज्यादा इधर-उधर नहीं जाना सिंपल क्लिक करना है और क्लासेस को ज्वाइन करना है तो चलिए जल्दी से बताइए व्हेन शुभम इज अप्रोचिंग कल्पेश या केशव ठीक है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं या फिर वो एक कर्व सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं यस एनीवन इन द कमेंट सेक्शन मुरली रामा केशव कल्पेश शुभम एवरी वन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज जल्दी से यार रिस्पॉन्ड कर दीजिए बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट समझेंगे तो शुभम जी कल्पेश की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे को तो ऐसा लगा कि आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मेरे को तो ऐसा लगा आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट एक्चुअली अगर मैं देखू नॉट मूविंग स्ट्रेट लाइन ओके क्योंकि इनका जो सेंटर होगा विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस राइट right? राइट right? तो आपको लगेगा कि आप स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं बट एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन जाता ही नहीं है इफ आई टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस होता है कितना वट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है राइट right? तो यहां पर भी कुछ ऐसा सा ही हुआ क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ

मोशन की तरह इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू इज इज क्लियर एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड परफेक्ट फाइन तो अब क्या है अब कोई भी बॉडी हो मैं ये मान सकता हूं कोई भी बॉडी चाहे वो स्ट्रेट आ, एक एक आ, एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो या प्योर रोटेशन कर रहा हो हमेशा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इट इज हैविंग अ प्योर रोटेशन एक सेंटर के अबाउट एक बॉडी एक प्योर रोटेशन मोशन करती है तो उसी सेंटर को जिसके अबाउट एक बॉडी प्योर रोटेशन करती है दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर और इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है एक एग्जांपल से समझते हैं लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ लिंक लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ लिंक ए बी लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ लिंक ए बी ठीक है और ये ए बी लिंक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है दिस ए बी लिंक इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ठीक है दिस इज टी इक्वल टू एक कोई भी वन टाइम पीरियड पे ये रोटेट करते-करते इट हैज रीच टू अ न्यू पोजीशन लेट अस से इट हैज ट्रैवल्ड सम डिस्प्लेसमेंट और टी2 टाइम पे आप मेरे को ये बताइए जब वो टी2 टाइम पे होगा तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना होगा

तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना होगा दैट इज आर इंटू ओमेगा दैट इज ए बी ओमेगा राइट अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं क्योंकि तो मैं बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इट विल बी इक्वल टू बी सी ओमेगा इफ आई से दिस इज दिस इज द दिस इज द रेडियस आई कैन से बी डी ओमेगा वट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी वट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी एनी

इतना ही होगा सी पे इतना ही होगा डी पे इतना होगा और B पे अभी भी जीरो होगा इसका मतलब ये है मैं कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करूं अगर मेरे पास एक पॉइंट आता है जिसके अबाउट आपका वेलोसिटी जीरो होता है तो मैं बोल सकता हूं दैट इज द आई सेंटर ये क्योंकि हमारा प्योर रोटेशन हो रहा है तो आई सेंटर आपके लिंक के ऊपर ही प्रेजेंट है अगर यही चीज यही चीज एक

तो हम लोग क्या करते हैं पहले तो ये देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई मैकेनिज्म है उसमें कितने आई सेंटर्स पॉसिबल है सो लेट सपोज आई एम एन इज द नंबर ऑफ लिंक्स अगर मैं एन को नंबर ऑफ लिंक्स कंसिडर करूं एन इज नंबर ऑफ लिंक्स तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स नंबर ऑफ आई सेंटर्स विल बी इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाई

थ्री आई टू फोर एंड आई थ्री फोर ठीक है एक four बार mechanism. Simple, sober approach. तो अगर आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स आपको पता है आप डायरेक्टली इस फॉर्मले से बता सकते हैं कि भाई आईसी कितने नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे तो मैं अगला क्वेश्चन है तो ये डिफरेंट आईसीस कहाँ लोकेट होंगे और वो हम लोग डायरेक्टली हमारे में करेंगे. तो center, तो पहला है आपका अगर दो लिंक लिंक वन एंड लिंक टू अगर ये दो लिंक टर्निंग पेयर की तरह कनेक्टेड है तो जहां पर यह कनेक्टेड होगा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लिंक वहीं पर आपका आई सेंटर होगा इन दोनों लिंक का देर विल बी द आई सेंटर ऑफ टू लिंग से आप मेरे को बताइए का लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ICs, बस एक स्टैंडर्ड लोकेशन के इंफॉर्मेशन से आप इस आई कितने आई सेंटर को लोकेट कर पा रहे हैं वी कैन लोकेट दिस इज आई वन टू दिस इज आई टू थ्री दिस इज आई थ्री फोर आउट ऑफ सिक्स वन टू टू थ्री थ्री फोर और वन फोर को लोकेट कर दिया आउट ऑफ दिक्कस को डायरेक्टलीट कर दिया बाई है जो आपका दो पेयर अगर दो नेक्स्ट टर्निंग पेरियड क्रिएट करता है तो टर्निंग पेयर पे ही आपका आई सेंटर लोकेट होगा दिस इज क्लियर ठीक है मैंने फोर आईसी लोकेट कर लिया चलिए हम सेकेंड स्टैंडर्ड आई सेंटर देखते हैं वेरी वेरी फेमस एंड रोलिंग रोलिंग अच्छा का क्या मतलब होता अगर अगर मेरे पास एक बॉडी है जो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है प्योर रोलिंग मोशन तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है नो स्लिप कंडीशन प्योर रोलिंग मोशन मतलब नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन अब नो स्लिप कंडीशन का मतलब भाई दिस इज रोटेटिंग विद एन एंगल वेलोसिटी ऑफ ओमेगा तो नो स्लिप कंडीशन का मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका वेलोसिटी होगा सेम मतलब वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी इक्वल टू जीरो और ये हर एक इंस्टेंट पे होगा अगर ये रोलर रोल होते होते यहां भी पहुंच गया उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी

कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस हो तो अगर मेरे पास कॉनकेव याव कॉन्वेक्स सरफेस से स्लाइडिंग मोशन हो रहा है तो इस केस इसके इंफाइनेटेचर का जो सेंटर होगा दैटी द लोकेशन ऑफ द आई सेंटर बी द लोकेशन ऑफ आई सेंटर्स दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द आई सेंटर्स ये ऑनो क्लियर चलिए एक बार शेयर कर दीजिए गाइस क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा मोटिवेशन कहां से मिलेगा राइट right? तो हमारे पास फोर बार मैकेनिज्म है वेपी का फोर बार मैकेनिज्म राइट right? और डेफिनेटली इसमें आपके आई सेंटर्स हमने लोकेट कर दिया वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सो वी है दिस इज आई थ्री फोर एंड दिस इज आई वन फोर राइट आई वन फोर ठीक है सो आउट ऑफ सिक्स आई सी दैट इज आई वन टू आई वन थ्री आई वन फोर आई टू थ्री आई थ्री फोर टू फोर एंड आई थ्री फोर तो मैंने थ्री फोर टू थ्री वन टू एंड वन फोर को लोकेट कर दिया अब मुझे वन थ्री और टू फोर को लोकेट करना हाउ आई कैन लोकेट वन थ्री एंड टू फोर इसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक है फंडा है आपको एक सर्कल बनाना है और आपको उतने लिंक बनाने हैं जितने इसमें उतने लाइंस बनाते हैं जितने इसमें लिंक्स है इसमें हैविंग हैविंग फोर नंबर ऑफ लिंक्स तो फोर लाइंस से मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है आई बी ड्राइंग अ स्क्वायर इनसाइड द सर्कल राइट तो वन टू थ्री फोर तो मुझे क्या निकालना है वन थ्री तो मैं वन थ्री को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूंगा तो वन थ्री इज बेसिकली इक्वल टू ये वन थ्री हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं वन टू टू थ्री का कॉम्बिनेशन वन टू टू थ्री का कॉम्बिनेशन और वन फोर थ्री फोर का कॉम्बिनेशन वन फोर थ्री फोर का कॉम्बिनेशन तो मैं क्या करूंगा इन आई सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा वन टू टू थ्री वन टू टू थ्री को ज्वाइन कीजिए वन टू टू थ्री को ज्वाइन कीजिए लाइन ज्वाइनिंग वन टू एंड टू थ्री एंड वन फोर एंड थ्री फोर वन फोर एंड थ्री फोर तो डेफिनेटली ये जो दो लाइन्स होंगे वो कहीं यहां कहीं जाके आगे जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा और वही आई सेंटर होगा आपका आई वन थ्री आउट ऑफ द स्क्रीन ठीक है चलिए अब मुझे टू फोर निकालना है टू फोर निकालना है तो टू फोर आप कैसे लिख सकते हैं टू फोर यू कैन राइट इट एज वन टू वन फोर वन टू वन फोर टू थ्री थ्री फोर टू थ्री थ्री फोर सो वन टू वन फोर ज्वाइन द लाइन पासिंग थ्रू द आई सेंटर वन टू वन फोर ये लाइन हो गया ये देखिए ये वाला लाइन और टू थ्री थ्री फोर टू थ्री थ्री फोर ये दोनों आई सेंटर से ज्वाइन होते हुए विल बी गोइंग एंड दिस पॉइंटेक्टेड दिस इज योर आई तो मैंने क्या किया अब इजीली मैंने सारे आई सेंटर्स को लोकेट कर लिया बट इन आई सेंटर को लोकेट करने के बाद मुझे अभी भी ये नहीं पता अगर मान लीजिए मेरे पास ये ओमेगा टू गिवन है तो विल बी ओमेगा कैसे निकालेंगे या विल बी ओमेगा स्टिल आई एम नॉट एबल टू टू आंसर दिस प्रॉब्लम तो इसके लिए कुछ हमारे पास दो दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल को देखेंगे तो पहला लॉ है बहुत ही फेमस दैट इज कैनिडी थ्योरम सुना है आप लोगों ने थ्योरम कैनेडी स्ट क्या बोलता है अगर मैं कोई से भी तीन लिंक्स के और उसके आई सेंटर्स को कंसिडर करूं यू टेक एनी थ्री लिंक्स और उसके आई सेंटर्स को अगर मैं कंसिडर करूं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाइक करेंगे चलिए अब ऐसे हम लोग मान नहीं सकते उसको तो प्रूव करके देखते हैं अगर आपके लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है तो उनके आई सेंटर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन के बीच में स्ट्रेट लाइन पे लाइक करेंगे चलिए लेट्स लेट्स क्रॉस वेरीफाई मैं लिंक वन लिंक टू एंड लिंक थ्री लेता हूं एट रैंडम फोर में से मैंने वन टू थ्री ले लिया तो कौन, कौन सा आई आपके क्रिएट टू थ्री राइट तो देखते हैं वन थ्री ये तीनों ही एक ही लाइन में है तो हमारा इज कैनिडीज प्रूव आपने बोला सर आप वन टू थ्री ले रहे हैं एक बार टू थ्री फोर लीजिए लेट्स टेक टू थ्री फोर क्या पता इसमें अलग आ जाए चेक करते हैं I -3, I -3 and and So So let's check this uh, this this is I and this is is lying in a straight line. basically theorem अगर कोई से भी तीन लिंक्स और उसके I centers अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो आपका रिलेटिव मोशन विल बी existing. ठीक है तो एक बार हम लोग एक ऐसा uh, भी केस लेते हैं जहां पे कोई रिलेटिव मोशन ना हो राइट चलिए सो टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंकेज व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंकेज क्विकली इन द कमेंट सेक्शन सभी लोग बताएंगे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बहुत बार हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम वट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस लिंकेज इट विल बी इक्वल टू जीरो ना? इसका जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम डी डिग्री ऑफ़ ऑफ़ फ्रीडम फ्रीडम का मतलब मतलब क्या होता है कि आपको आउटपुट आउटपुट नहीं 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 मिलेगा input, नहीं मिलेगा इफ़ यू आर गिविंग एन इनपुट बिल्कुल भी दैट इज़ द डिग्री तो इसके आई सेंटर स्ट्रेट लाइन लाइन में line नहीं करने चाहिए इसका मतलब. so so we'll I 12, I 13, ये होंगे so And this is I तो अब ये तीनों में नहीं लोकेटेड है मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अग्जाम्पल है is this clear? हमें पता था ये फ्रेम है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो था बट हमने कैनेडी सियोरम को

अब हम बात करते हैं कि अब हम लोग ये तो पता चल गया कि विंग के बीच में रिलेटिव मोशन विल बी एग्जिस्टिंग है ना बट अभी तक हमें ये नहीं पता चला सर इसमें वेलोसिटी कैसे निकालें एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालें अगर एक एंगुलर वेलोसिटी गिवन है लेट अस सपोज दिस इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज ओमेगा फॉर दिस दिस इज टू दिस इज फोर कैसे निकालें राइट सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग अ वेरी फेमस इक्वेशन दैट इज थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज़ थ्योरम ऑफ एंगर वेलोसिटीज। अब थ्योरम ऑफ़ वेलोसिटी क्या बोलता है वो सिंपली हमें बताते हैं अगर मैं एट रैंडम दो लिंक लेता हूं लिंक नंबर एम एंड लिंक नंबर एन अगर मैं दो लिंक्स को लेता हूं तो ओमेगा एम आई वन एम आई एम एन इज इक्वल टू ओमेगा एन आई वन एन आई एम एन सर समझ नहीं आया ये क्या लिखा है Obviously, बात है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है बहुत लोगों को होता है एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए मैंने लिंक नंबर टू और लिंक नंबर थ्री लिया तो मैं अपने फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा टू इज इक्वल टू आई वन टू आई टू थ्री इज इक्वल टू ओमेगा थ्री आई वन थ्री आई टू ठीक है तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक आई एक ओमेगा गिवन है और दूसरा ओमेगा निकालना है मैं आई सेंटर्स को लोकेट करके इजीली ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं तो एक एग्जांपल से समझते हैं एंड विल बी अ क्लैरिटी लेट अस टेक दिस एग्जांपल मेरे पास फोर बार लिंकेज है ठीक है ये आपको थीटा गिवन है दिस इज द एंगल थीटा लिंक uh, वन का लेंथ uh, है ए लिंक टू का लेंथ है ए दिस इज लिंक थ्री एंड लिंक फोर तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है क्या ये डायग्राम सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन थीटा इक्वल बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये हमारा डायग्राम सही है, है या गलत है बिल्कुल गलत है सर क्वेश्चन में कंडीशन के हिसाब इक्वल टू वन एटी यहां तो थीटा वन एटी बिल्कुल नहीं लग रहा चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ये डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं इसको ए मान लेते हैं बी मान लेते हैं सी एंड डी सो आई बी हैविंग अ लाइन और अ लिंक ए डी द लिंक लिंक नंबर वन और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे दैट इज लिंक नंबर बी और यहाँ पे लिंक नंबर सी एंड दिस इज लिंक नंबर टू लिंक नंबर थ्री लिंक नंबर फोर तो अब आप देखिए ये मेरा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम रेडी है थीटा इक्वल टू 180। अब हमें क्या है ओमेगा टू पता है और ओमेगा थ्री निकालना है मतलब मेरे पास टू थ्री लिंक्स का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो मैं सीधा पहले लिखूंगा फॉर्मूला ओमेगा टू इन टू ओमेगा थ्री I I तो मेरे को ये ICs को ये पहले लोकेट करना है तभी मैं ओमेगा थ्री निकाल पाऊंगा चलिए एक बार हम इसको लोकेट करते हैं तो इन चारों में से इन चारों में से मेरे पास कुछ आईसी ऐसे हैं जो मैं प्रायर इंफॉर्मेशन से निकाल सकता हूँ दैट इज आई वन टू दिस इज आई टू थ्री दिस इज आई थ्री फोर एंड दिस इज आई वन फोर मुझे कौन कौन से आई चाहिए थे वन टू चाहिए थे वन टू मेरे पास है टू थ्री चाहिए था टू थ्री भी है One, three नहीं है। I'm not having one, three. One, three कैसे निकालेंगे? वही फंडामेंटल अप्रोच हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे चार लाइंस खींचेंगे एंड वन फोर थ्री फोर इज क्लियर राइट तो आप मेरे को जल्दी से बताइए वेरी गुड वेरी गुड शुभम आप मेरे को जल्दी से बताइए वन थ्री का लोकेशन कहां होगा वेयर विल बी द लोकेशन ऑफ आई वन थ्री वन टू टू थ्री भाई ये है वन टू ये टू थ्री ज्वाइन अ लाइन पासिंग थ्रू वन टू एंड टू थ्री मुझे नहीं पता कहां तक होगा तो एक थोड़ा सा लंबा लाइन खींच लेते हैं वन फोर एंड थ्री फोर वन फोर एंड थ्री फोर बताइए ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वेयर दीज टू आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर वन

13 23 व्हाट इज द लेंथ बिटवीन 13 एंड 23 दिस इज इक्वल टू 2a तो so, यहां 2a लिख दिया तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा 3 डायरेक्टली आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड. इज दिस क्लियर 2.5 रेडियन पर सेकेंड मेरे पास ओमेगा 3 की वैल्यू आ गई अच्छा एंगल वेलोसिटी नॉर्मली क्या होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो मान लीजिए आप इन्होंने दे दिया कि दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज

थ्री ठीक है यहां है आई वन टू और ये है आई वन थ्री मतलब वन टू और वन थ्री टू थ्री के दोनों के ऑपोजिट साइड में मतलब फिर उस केस में अगर ओमेगा टू क्लॉकवाइज है तो ओमेगा थ्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ठीक है और वाइस वर्सा क्या है अगर मेरे पास टू थ्री यहां है और वन टू एंड वन थ्री इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द सेम साइड सेम साइड आपका वन टू और वन थ्री लोकेटेड है

I, two, three and I, one, three. Check कि क्या वन टू और वन थ्री टू थ्री के सेम साइड में है यान टू यहाँ पे है वन थ्री यहां पे है दोनों ही सेम साइड पे है दीज आर बोथ ऑन द सेम साइड मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो ओमेगा थ्री भी होगा क्लॉक ओमेगा थ्री भी होगा क्लॉकवाइज क्योंकि ये हमें सीधा थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट से निकल के आता है Is this clear? Is this clear? ये आपका वेलोसिटी निकालने का बहुत ही इजी सा तरीका है जिसमें हम लोग थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं क्लियर है राइट right? सिंपल तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये दो मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट ठीक है क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास एक रॉड ए बी है जो स्लाइड कर रहा है ऑन द कॉर्नर शोन इन द फिगर एट दिस इंस्टेंट व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज वन मीटर पर सेकेंड मतलब पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो वन मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ तो मुझे यह बताना है कि इस मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड व्हाट विल बी द वैल्यू ठीक है अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं थोड़े से इस डायग्राम को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ करते हैं मैंने क्या किया मैंने इसको एक फोर लिंक टाइप में डिवाइड कर दिया लेट अस सपोज मैंने कर लिया कि यहां पर एक स्लाइडर ए है ठीक है और यहां पे दूसरा स्लाइडर है बी और ए नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा अ विदोसिटी ऑफ वन मीटर पर सेकेंड ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ वी ए राइट ये वी VA ए की वैल्यू है ठीक है और ये मैंने दोनों कनेक्ट किया विद लिंक राइट ये मैंने एज्यूम किया ठीक है अब मेरे पास कितने लिंक्स हो गए हाउ मेनी लिंक्स आर देयर इन हैविंग लिंक नंबर वन क्योंकि ये एक प्लेन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लोकेटेड होगा दिस इज लिंक नंबर वन ट so, ओमेगा थ्री हमें ओमेगा थ्री हमें तो निकालना, है. Right? है निकालना है ठीक है तो सिंपल सा इसमें तरीका क्या है देखो अब ये जो पॉइंट है जो पॉइंट ए है, जो ए है जो ए आपको जो दिख रहा है तो पॉइंट ए ये आपके लिंक नंबर फोर के ऊपर भी है और लिंक नंबर थ्री के ऊपर भी है मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं वेलोसिटी एट पॉइंट ए ए इज इक्वल टू ओमेगा द डिस्टेंस आई क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन लिंक नंबर थ्री और इसका पॉइंट फ्रॉम द आई सेंटर ऑफ दिस लिंक इस लिंक का आई सेंटर से अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालू तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा

14 फोर इज ऑल्सो एट इन्फिनिटी 14 फोर इज ऑल्सो एट इन्फिनिटी क्योंकि ये एक स्लाइडिंग पेयर क्रिएट कर रहा है दिस इज आई टू थ्री एंड दिस इज आई थ्री फोर मेरे को क्या चाहिए 13। तो ड्रॉ सर्कल ड्रॉ सर्कल राइट ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया 13 को ज्वाइन कीजिए तो वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू एंड वन फोर वन टू टू थ्री वन टू टू थ्री दिसन वन फोर थ्री फोर लाइन तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो है exactly इस में I1, 3, right? तो पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा कुछ हमें एंगल गिवन है सिक्सटी डिग्री तो मतलब ए बी कॉस सिक्सटी ये होगा आपका ओमेगा थ्री इंटू ए बी कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू तो ओमेगा थ्री आपका निकल के आ गया ए uh, बी कितना दे रखा so, है वन मीटर ए बी इज इक्वल टू वन मीटर सो दिस इज ओमेगा थ्री इज इक्वल टू वन बाय कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी होता है पॉइंट फाइव दैट इज टू रेडियन पर सेकंड। टू रेडियन पर सेकंड आपका ऑप्शन ए निकल के आ गया ठीक है ऑप्शन ए टू रेडियन पर सेकेंड निकल के आ गया राइट अब इसमें एक और क्वेश्चन जो फ्रेम होता है कि अगर मुझे इसके मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट लेट्स सपोज दिस इज द मिड पॉइंट एम अगर मुझे इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो एक सिंपल सा मेथड है मैं क्या करूंगा वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट इज इक्वल टू ओमेगा 3 क्योंकि ये लिंक 3 पे लोकेटेड है और मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालता दैट इज पॉइंट पॉइंट ये डिस्टेंस निकालूंगा मेरे पास वेलोसिटी एट द मिड निकल गया अब ये कैसे निकालेंगे ये सिक्सटी हो गया ये थर्टी हो गया ठीक है ये हाफ है तो वन का हाफ हो जाएगा ये लेंथ आप निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए बी साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी कितना होगा रूट थ्री बाई टू तो ये लेंथ आ गया ये लेंथ आ गया तो आप को साइन रूल से इस ट्राइंगल को फॉर्म करके यू कैन कैलकुलेट द लेंथ एम स और नो अगर नहीं आ हाँ तो बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं द प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट दिस एक ट्रैंगल ऐसा बन रहा है जिसका यह एंगल है थर्टी डिग्री यह है पॉइंट एम दिस इज आई वन थ्री एंड दिस इज पॉइंट बी राइट बी पॉइंट है ना हा राइट तो यह आपका लेंथ है रूट थ्री बाई टू राइट ये पॉइंट फाइव तो ये लेंथ आपका निकल जाएगा अगर मैं इस लेंथ को एल मानूं, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पॉइंट फाइव प्लस रूट थ्री बाई टू होल माइनस टू इंटू पॉइंट फाइव इंटू रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस ऑफ थर्टी डिग्री को साइन रूल अगर आपको पता होगा हम लोग ये लगाते हैं बहुत ही इफेक्टिवली और यहां से मेरे पास ये लेंथ एल आ गया और, और हम लोग डायरेक्टली ओमेगा थ्री टू देंथ एल इज इक्वल टू वीडल पॉइंटली ऐसे क्वेश्चनिंग सर्विस है ठीक है यहाँ 30 डिग्री uh, 60 डिग्री तो आप निकाल सकते हैं 40 डिग्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है निकालना क्योंकि एंगल्स आपके डिफाइन नहीं होते स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है अगर ये फोर्टी फाइव होता या थर्टी होता या सिक्सटी होता तो वो ईजी रहता अगर यही अगर मैं सिक्सटी की जगह फोर्टी कर दू तो हमारा एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है बट प्रोसेस इज द सेम आप ई एस सी में इस साल का पेपर की बात कर रहा हूं जो पिछले हफ्ते हुआ था लास्ट वीक जो ई एस सी मे हुआ था उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा था एंगल वॉज स्लाइटली डिफरेंट सेम लॉजिक था आपको निकालना था वेलॉसिटी एट द मिड पॉइंट इस लॉजिक से आपका वेलॉसिटी एट द मिड पॉइंट आ जाता ठीक है तो इस तरीके से आप वेलॉसिटी कोई सी भी लिंक्स का आप निकाल सकते हैं अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो ओमेगा फोर निकालने के लिए बोलता तो आपके पास टू और फोर का कॉम्बिनेशन हो जाता तो आई वन टू आई वन फोर एंड आई टू फोर ठीक है ये तीन आई को देखना रहता और आप इजिली फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेते ओमेगा फोर कैसे निकलता अगर मैं टू फोर कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो ओमेगा टू आई वन टू आई टू फोर इज इक्वल टू ओमेगा फोर आई वन फोर आई ठीक है इस फॉर्मूले से मैं आराम से निकाल लूंगा और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे डायरेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बता दिया हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन दिस क्लियर ओके क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है मिडल पॉइंट पूछ लिया या उसका वेलोसिटी पूछ लिया या कभी पूछता तो है इज इक्वल टू ओमेगा थ्री पॉइंट ए आई वन थ्री ठीक है और वी बी इज इक्वल टू क्योंकि पॉइंट बी भी ओमेगा लिंक नंबर थ्री पे है पॉइंट बी आई वन थ्री तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं वी ए बाई ए वन थ्री इज इक्वल टू वी बी बाई बी वन थ्री इस लॉजिक से बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ओमेगा थ्री इस लॉजिक से मैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी भी निकाल सकता हूँ आई कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट बी ठीक तो है तो कंसेप्ट सेम है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सेम है बस थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है अगर आपको मिड पॉइंट की बात करें ओमेगा की बात करें या फिर आपका एक्सट्रीम दूसरा पॉइंट की बात करें क्लियर तो नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक यही कंसेप्ट लगाना है और इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है आप इजली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस क्लियर तो यहां पे आपने आई सेंटर अप्रोच को डिटेल में पढ़ लिया है अब जाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है जैसे हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया एज अ सैम्पल आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अगर कोई डाउट आता है डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी आई होप एवरी वन नोस अबाउट माई टेलीग्राम चैनल दैट इज लर्न विद सूरज आप इस पर जुड़ सकते हैं और इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है वेयर कनेक्ट विथ मी और वहाँ जाके आप आराम से अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं तो पूरी एक टीम है जो आपको हेल्प करेगी और बाकी एस्परेंट्स के लिए भी वो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा तो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन एंड एंजॉइंग दिस लर्निंग प्रोसेस ओके सो दिस इज दिस इज सूरज गोपी साइनिंग ऑफ और कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है

तो लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट स्टेटस और अगला जो टॉपिक होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोग डैम्ड वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक सेशन हम लोग लेने वाले हैं गियर ट्रेन के ऊपर तो डैम्ड वाइब्रेशन के ऊपर एक सेशन होगा और गियर ट्रेन के ऊपर एक सेशन होगा क्योंकि डैम्ड वाइब्रेशन लेने का

You can see it is very fastly uh, spreading in the market. South Africa, hoga Singapore, hoga different countries mein it has already been struck. So make sure you now you're taking care of yourself or Okay, thank you guys. Bye bye. Take care stay safe. And this is Suraj be signing off. Uh, this is Baiju's exam prep. Thank you.